दोस्तों आज जानते हैं कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपया क्या है और इसका वॉलेट कैसे बनाया जा सकता है, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और दोस्तों इसके वॉलेट में हम कैसे धनराशि जो है वो लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं सीबीडीसी क्या बला है। दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपके खाते में जो पैसा है, आपके पास जो संपत्ति है उस पर सरकार की नज़र है और आप जो है उसका ब्यौरा जो है दे सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी कि सरकार को मालूम है कि आपके खाते में कितनी राशि है, आपके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन जो आपकी जेब में पैसा है उस पर कैसे नजर रहेगी। तो दोस्तों जो ये जेब में पैसा है, ये चिल्लर है या जो रुपीज है, इसी तरह सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को सरकार ने अब लीगल टेंडर कर दिया है और इसी तरह से वो करेंसी अब चलेगी, लेकिन ये डिजिटल करेंसी होगी, ये वॉलेट में रखना होगा। तो दोस्तों आपकी जेब में जो पैसा है उस पर भी अब सरकार की नज़र रहेगी, उस पर भी लेखा जोखा हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा, ये ई करेंसी जो है डिजिटल करेंसी आप कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और जब आप ई रुपी लिखोगे, डिजिटल रुपी लिखोगे, तो बहुत सारे बैंकों के जो है वो वॉलेट आ जाएंगे, वहां से जो है ऐप आ जाएंगे, वहां से आपको वो डाउनलोड करना होगा। लेकिन दोस्तों अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया है, इसीलिए सभी बैंकों ने CUG यानी कि क्लोज्ड यूजर ग्रुप बना रखे हैं और कुछ लोकेशन पर जो है अगर बैंक रिक्वेस्ट करेगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अदरवाइज अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। और दोस्तों जब आप गूगल प्ले स्टोर से ई रुपी डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, उसके बाद जो है वैसे ही आप लॉगिन बना सकते हो, लेकिन अभी ये बैंक की रिक्वेस्ट पर होगा। जैसे कि आप गूगल पे या पेटीएम, अमेजोन पे या अन्य कोई वॉलेट बनाते हो, ऐसे ही इस पर भी वॉलेट बनेगा। और दोस्तों ये कुछ कुछ क्या, ये बहुत सारा अभी UPI से ही मिलता जुलता है और जब आप सक्सेसफुल वॉलेट क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद वॉलेट में अंदर जाके एक ऑप्शन होता है लोड ई रूपी और वहां से आप ई रूपी जो है वो लोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें UPI में अभी आपको बहुत सा अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन UPI से जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका बैंक खाता डेबिट होता है और दूसरे बैंक खाते में पैसा चला जाता है। लेकिन दोस्तों CBDC यानी ई वॉलेट यानी कि ई रुपीज या डिजिटल रुपीज में जो है आप जैसे आप दुकानदार से सामान लेते हो, जेब में हाथ डालते हो और दोस्तों पैसा दे देते हो और UPI से जैसे QR कोड स्कैन करके दे देते हो, ऐसे ही इसमें पैसा देना होगा, लेकिन इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों ये है CBDC यानी कि आपके जेब में कितना पैसा है उस पर सरकार की नजर रहेगी और दोस्तों इंडिया में भी अब सब कुछ जो है डिजिटल हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम विताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम विताय नमः। राम राम भाइयों।